हेलो स्टूडेंट, एक और टॉपिक आपके लिए ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर बेस। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर बेस में KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक से आपको क्वेश्चन आना ही है और आना 100% आएगा। तो 100% जब आएगा तो हम लोगों को क्या करना, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो हम आपको एक सिंपल से ट्रिक्स बताते हैं जिससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे, सारे आंसर आएंगे यार, देखते जाओ। तो कैसे, आपको ये जो पूरी बारात है ये यहां से यहां तक की, इसको क्या कर दो, इसको कर दो क्या लिखा, देखो पढ़ के देखो, फिक्स लिखा हुआ है। ठीक, इसी तरह यहां पर देखो ये पूरी बारात क्या कर दो, ये सब फिक्स्ड है। ठीक, यहां से ये पूरा फिक्स्ड है। अब रिएक्शन कैसे, इसका जो ये ऑक्सीजन बचा हुआ ये कैसा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इससे जो भी टकराएगा वो मिट्टी में, अरे यार मिट्टी में नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, समझिए, मिट्टी में मत मिलाना यार, ऑक्सीडाइज करवाना है। तो ऑक्सीडाइज कैसे कराएंगे, तो हमने सम फेमस ऑक्सीडाइजर यहाँ लिख रखे, हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया हुआ, आप इस सीरीज को आप कॉपी कर लीजिएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन बन नहीं सकता, इससे बाहर बन ही नहीं सकता। ठीक, तो आपको क्या करो, जब बन नहीं सकता तो यार इसको कॉपी कर लीजिएगा, जब कॉपी करोगे तो इससे हम सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। देखना, ध्यान से देखना, देखो समझाते हैं आपको, ये पूरा आपका फिक्स रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कार्बन लोगे, ये क्या है, ऑक्सीडाइजर ही तो है, ऑक्सीडाइजर। जब ये अच्छा ऑक्सीडाइजर तो हमेशा क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर लेगा, कम करेगा। देखो कैसे, यहाँ +7 है, कहाँ चला गया +2, इसने क्या किया, फाइव यूनिट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर लिया, कम कर लिया। इसका मतलब दूसरे की तो बढ़वाएगा, जब दूसरे की बढ़वाएगा तो कैसे बढ़ाएगा, अगर इससे कार्बन टकराया तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, देखो अगर कार्बन कहीं टकरा गया तो किस में कन्वर्ट हो जाता, CO2। सीधी सी बात है यार, कतई नहीं डरना है, केमिस्ट्री खेल खेल में सीखते जाओ। ठीक, खेल खेल में सीखते जाओ। कार्बन अगर टकराया तो क्या बना लिया, CO2। अगर यहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो भी आंसर क्या आ रहा होगा, CO2। अरे यार अपनी बुक से मैच कर लो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा, मेरा चैलेंज है, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट रहा हो ऑक्सीडाइजर का। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर ले लें H2S, तो 100% पूरी बनात ऐसी नोट कर देना, और क्या बना दोगे, यस। अरे यार पूरा मंडप फिक्स है। ठीक, क्या चेंज करो, दूल्हा दुल्हन। ठीक, दूल्हा और दुल्हन को चेंज करते जाओ, आंसर पाते जाओ। ठीक है, अगला देखिएगा, अगर हम लोग ले लें CAS, तो आंसर सब कुछ ऐसे ही, क्या लिख दोगे यहां पर, CA, ये सबको मतलब ये सब कॉपी करके, ये फिक्स है, लिख दो CAS से CSO4, फिक्स चीज है, समझ रहे हो, कितना आसान है यार, खेल रहे हो यार तुम तो केमिस्ट्री से। अगला देखिएगा, अगर यहां पर तुमने ले लिया Fe++, तो यहां कंफर्म Fe SO4 बन रहा होगा, सॉरी Fe++। अगर कह दो Fe++, इसको मान लो, अरे यार ये ले लो तुम, इसको ऐसे लिख लो Fe SO4, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2, यहां पे आ जाओ, इसका अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा, Fe2SO4 बोलते रहे, आप चेक करके देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप जानते हो बहुत अच्छे से। अगर आपने कहीं यहां पर ऑक्सैलिक एसिड ले लिया, ये क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा C2H2, देखो C2H2O4। ठीक, C2H2O4 ऐसा भी लिखा मिलेगा, इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, CO2, सब कुछ। अरे यार इससे आसान क्या लोगे। एक और दूसरा क्वेश्चन कौन सा, ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है, जब ये अच्छा ऑक्सीडाइजर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितनी है +6, किसमें कन्वर्ट हो गया +3। अरे यार जब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर कम कर ली तो दूसरे की हमेशा बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, फिर से देखो इससे टकरा दो, और जैसे टकराया किसमें मिल गया, CO2 में मिल गया, अरे मिला दो उसको मिट्टी में, अरे यार मिट्टी में नहीं मिलाना, हाँ नहीं तो मिट्टी में कर दो, सर ने बताया मिट्टी में मिला दो, क्या बना लिया, सल्फर। तो H2S हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर में। नेक्स्ट देखिएगा, अरे ऑक्सैलिक एसिड को फिर से ले लो पूरा, और फिर किसमें कन्वर्ट कर दोगे, CO2। अरे कुछ नहीं करना, पूरी बारात फिक्स है, केवल चेंज करो दूल्हा दुल्हन, जो कि ये बने हुए। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लो, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो छूट रहा हो कमेंट्स में बताइएगा, एक भी नहीं छूटेगा, हम आपको नेक्स्ट डे आपको वीडियो में आपको फिर से आपको सारे आंसर बता देंगे। ठीक, ओके।